ಜಲಜ್ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತಸ್ತರಿ ಕಲೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂಬುಜಂಗ ಕಮಾಲಿಕಾ ಮಠ 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 ಮನ್ನಿನಾದ ಮಠ ಮರ್ವ ಯುಜಗಾರ ಚಂಡ ತಾಂಡವಂ ತನೋತುರ ಶಿವ ಶಿವಂ। बिंद क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचर के हार्दिक स्वागत करी थे। सावन मास के भगवान भोलेनाथ के यह महीना है जौने माँ भक्तन के अपार भीड़ भोलेनाथ के मंदिर में लागत थी। आज हम पहुँचे हैं सीधी जिला के सबसे प्राचीनतम भोलेनाथ के मंदिर में, जहाँ आज अपना हम दिखाऊँ और ओकर मंदिर के महत्व बताऊँ कि मंदिर के महत्व का है, कब एकर निर्माण भा और मंदिर के आस्था के केंद्र का है। अपना का पहले थोक जानकारी हम दे दी कि यहाँ जो किंवदंती प्रचलित है कि बगले से सोन नदी प्रवाहित होती और वह नदी से पत्थर आए के मतलब बड़े बड़े शिला यहाँ आई हैं मंदिरन में और वह मंदिर के निर्माण भा है। आई अब हम अंदर से अपना का पूरिया मंदिर के दर्शन कराए थे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराए थे। और यह एक बात प्रचलित थी कि यहाँ मांगी गए मन्नत हर तरीके से पूर्ण होती और यहाँ सावन मास में भक्तन के तांतव लगा रहा थे। अब चलिए अंदर दिखाई थे अपना काम। यह खूबसूरत मंदिर जौन है भगवान भोलेनाथ के है, यह यहाँ शिलालेख लगी है जौने माँ पूर्व मंदिर के इतिहास है और यह पुरातत्व विभाग यह पूरे मंदिर के देखरेख कह रहा है। एमा यह अंकित है कि यह मंदिर चेद वंश के द्वारा 850 और 1015 ईस्वी के प्रारंभिक काल के आए, जहां प्रबोध शिव के गुरु द्वारा यह मंदिर बनवाबा गया रहा। एकर जो ईसा पूर्व में यह बतावा जाला है 972 ईसा पूर्व में यह निर्माण कार्य पूर्ण भरा। मंदिर के जो शिल्प कला है ऊंची ऊंची मंदिर है और गोल गर्भगृह है और एमा जो अपना विशेषता है मंदिर के देख सकी थे। हजार वर्ष से एका यह मंदिर का विध्वंस होने से रोका गया रहा। विशेष आकर्षण यह मंदिर की यह है कि बरसात के पानी निकास खीतिर एमा बहुत अच्छे तरीके से नालिन के निर्माण किनगा है और विलक्षण मंदिर है पूरा अपना या जगह में जब आऊँ तो यहाँ अपना का हर तरह के पेड़ पौधा फल और अब पुरातत्व विभाग एकर देखरेख के जिम्मा लय है तो और सारी व्यवस्था दुरुस्त करे के प्रयास किन जा लग है। यह जरूर है कि अभी हाल में कुछ दिन पहले कुछ साल पहले जो आज पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल उस सोन नदी के सफाई अभियान में आए रहे और यह पूर्व मंदिर के उनके द्वारा देखा गया रहा, खूब फोटोग्राफी भरी। हाल ही में एक युवा समाज से भी जो भाजपा से हैं तुषार द्विवेदी उनके द्वारा यह पूर्व मंदिर के बात उनके द्वारा रखी गए और ट्विटर में एक ट्वीट किनगा और ट्वीट के असर ऐसा भा सोशल मीडिया के इनके सकारात्मक उपयोग कहते हैं ट्वीट भा और ट्वीट के रीट्वीट करिन उनके द्वारा प्रहलाद पटेल पर्यावरण मंत्री के द्वारा या रिप्लाई आवा कि हम एका आगे अग्रेसित करी थे और बहुत जल्द एका बड़ा पर्यटन स्थल घोषित करब। हम अब कही कहे चाहे थे कैमरामैन जो है हम पूर्व मंदिर परिसर देखा में और मंदिर के विशालतम एक कल्पना करी कि आज से हजार वर्ष पूर्व यह मंदिर के निर्माण कैसा भा हुई और कैसन बिना मशीनरी के आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, किंतु यह बिना मशीन के यह नक्काशी अपना देख सकी थे पूरी मंदिर के। सिर्फ एका कहा जाए ध्यान न दे प्रशासनिक उपेक्षा के चलते आज यह मंदिर गुम नामी के अधेरन में खोए रहा है। यदि एमा पर्यटन स्थल और प्रशासन के नज़र चली जाए तो या एक बड़ा पर्यटन स्थल घोषित हो सकत है और साथ ही में एकर कायाकल्प हो सकत है। मगर भगवान भोलेनाथ के या गांव में पूरे प्रताप है और कहा जाता है कि यहाँ भोलेनाथ जो भक्त होते हैं उनकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के निवासी विपिन सिंह, उनसे हम जानब कि क्या महत्व है भगवान भोलेनाथ की यह मंदिर के। सर, ये जो मंदिर है
तो 300 मतलब 24 का मतलब यह हमारा बघेली न्यूज चैनल है, हम अपना बघेली बोल सकी थे, बराबर बोली। अच्छा अच्छा, यह बतावा थे कि यह मतलब 324 का बना हुआ मंदिर है, चेदी वंश शासन काल के आए, एमा बहुत जऊ आदमी मन्नत मांगा था, जऊ मतलब कहा था तो वो पूरा होता है, जऊ आदमी आवा है तो खाली हाथ यहाँ से गा नहीं आ, ओकर जरूर पूरी मतलब पूरी है मन्नत। और जऊ यहाँ के कर्मचारी रहे हैं उनका मतलब 30-30 साल काम किन बेचारे, सफाई छुलाई पूरा यह वह यहाँ साफ सफाई रहा, गार्डन वार्डन लगावत रहे, उनका बंद कई दिन का, अब यहाँ बिल्कुल इतना कचरा रहा था, इतना गंदगी रहा थी कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। या जैसा भी हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक उपेक्षा कहो न कहो हमरे पुरातात्विक और ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरन के नष्ट होने के कारण बन रहा है, तो सरकारों का यह और ध्यान दे चाहिए कि हमारी धरोहर बची रहे, जो उन्हें हम अपने भविष्य का ऐसे वाकिफ कराए सकी, कहे कि भविष्य यह न जनी ही कि हमार पूर्वज का बनाए के गए रहें और उनकर का कल्पना रही, ऐसे यह धरोहर का संरक्षित करब हमारा फर्ज बनत है और प्रशासन के फर्ज बनत है, वो जनप्रतिनिधियों के फर्ज बनत है जिनका जनता चुन के अपन प्रतिनिधित्व करे भेजा थी, तो उम्मीद है कि प्रशासन की निगाह अवश्य जई और हम अपने या न्यूज चैनल के सभी दर्शकन से या एक मांग करी थे और कि यहाँ आमय और यह विशाल मंदिर का और यहाँ के शिल्पकारी का अवश्य देखें और अपन मुराद अवश्य मांगें, कहे कि भगवान भोलेनाथ और सावन की यह पवित्र महीना निश्चित तौर पर उनकर मुराद पूरी करी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश पांडे जी, उनसे हम जाने के प्रयास करब कि यह मंदिर के जो निर्माण है और का एकर कहानी यहाँ गांव वाले बतावत हैं का कि मदंती है, एक बारे में थोका। सीधी जिला के यह पहल ऐसा स्थान है जेका पर्यटन विभाग पुरातत्व विभाग अपने अधीन 1958 में करीस, तब से पुरातत्व विभाग के अंतर्गत यह चंद्रेह शिव मंदिर आवत है। यह कहानी है कि मदंती है, लोग सयान लोग बतावत हैं कि आंध्र प्रदेश के एक राजा रहे हैं, उनकर गुरु यहाँ रहत रहे हैं और यहाँ जो मंदिर है, मंदिर देखी और आंध्र प्रदेश के मंदिर में जो कलाकृतियाँ हैं मिलत जुलत हैं और जैसा आंध्र प्रदेश के मंदिर के बनावट है वह मंदिर के यहाँ बनावट है। यह पास में गुफा है जहाँ योगी जी अपन तपस्या करत रहे, ये बतावा जात रहे हैं कि उनके मंत्रण में इतनी शक्ति रही है कि पत्थर उड़ के यहाँ आवत रहे, चूँकि आगे सोन नदी है, सोन नदी में वह समय काफ़ी पानी रहत रहा है, नावों की सुविधा नहीं रही है, चार पाँच कुंटल के पत्थर उड़ के आ जाते रहे। अय्या योगियन के और तपस्विन के तपस्व स्थली रही है, यहीं महाकवि बाणभट्ट अपने कादम्बरी ग्रंथ के रचना करीन थे, वहाँ उनकर कर्मस्थली रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चंद्रेह के यह मंदिर का बहुत कम लोग जाना थे। रीवा के जौन शंकर जी के मंदिर है या अपना के गुड़मा भैरवनाथ, ओका पर्यटन विभाग अपने अंडर में लय है और ओकर काफ़ी प्रचार प्रसार है, लेकिन एका भी पर्यटन विभाग अपने अंडर में नहीं ली थी, जबकि यह एक चैनल है कि रीवा से लोग आमें जो परसिली जाते हैं, चंद्रेह देखें, परसिली देखें, फिर संजय टाइगर रिजर्व बन देख लें। रीवा से संजय टाइगर रिजर्व की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है, तो जे रीवा आवत हैं या मुकुंदपुर के जू देखे आवत है चिड़ियाघर, ऊँ यहाँ आ सकते हैं, एक प्रचार प्रसार अगर बेहतर तरीके से हो जाए तो। कुल मिला के यह माना जा सकता है कि उपेक्षा के चलते आज भोलेनाथ के मंदिर भक्तन के तक नहीं पहुंच पावल लगा है और जौने के चलते या भोलेनाथ के आशीर्वाद से आसपास के लोग दूर हैं, या बिंध के ऐतिहासिक मंदिर है, हम उनसे एक बे यह नक्काशी की ओर ध्यान आकर्षित कराऊँ कि जैसा अबे भैया बताएं कि आंध्र प्रदेश के वहाँ के मंदिर बालाजी वगैरह के मंदिर देख, बालाजी भगवान के मंदिर बहुत सुंदर नक्काशी है, सेम वह परिपाटी में यह मंदिर बनावा गया है, बगल में गुफा ही गुफा तक हम चले के प्रयास करब और कैमरामैन का कहब कि वह गुफाओं दिखा मैं अपना पंचन का जौन यह ऐतिहासिक गुफा है, बतावत है कि यहाँ 5-5, 6-6 कुंटल के पत्थर
नदी से हवा के द्वारा गुरु के ताकत से लाए गए हैं। अब इसमें कितना सत्य आए कितना अंधविश्वास आए एकर हम दावा नहीं कह सकी, किंतु कुछ यह सारी चीज बहुत अद्भुत है। ये मंदिर देख सकी थे अपना, ये पत्थरन के वजन कितना हुई या अपना आकलन करी कि एक पत्थर बिना मशीन के कैसा उठा हुई और कैसा ये मंदिर तक आबा हुई। देखिए यह बहुत खूबसूरत नक्काशी, नटराज भगवान जैसा नक्काशी है, पूरे द्वार बने हैं, बड़े बड़े शिला पट्टिका लगी हैं। अब अंदर हम यह गर्भगृह में घुसे के प्रयास करी लाए। कहा जाता है कि जो गुफा है यहाँ जो गुरु महाराज रहे वो तपस्या करत रहे, यह तपस्या में लीन रह रहे हैं, यह उनका बैठकी केंद्र है। और यह मैं अपना देख सकी थी बड़ा अच्छा हवादार यह पूर्व गुफा बनी है। जहाँ सबसे बड़ी बात कि वो समय या हजार साल पहले यहाँ वह सब व्यवस्था है, जैसे पानी के निकासी के बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है कि पानी कहाँ ठहराव ना हो, या पूर्व मंदिर परिसर मतलब साफ सुथरा रहा है। तो यह कल्पना रही और यह कल्पना का कैसा निर्मित किनका हुई यह पूरा अपना देख सकी थी, कितनी सुंदर नक्काशी है, हर पत्थर में कुछ ना कुछ विशेष नक्काशी है। और यह दीवाल देखी सैकड़ों वर्ष मतलब हजारों वर्ष पुरान दीवाल है, अपना देख सकी थे हर पत्थर में निशान है, ये पत्थरन में इनका जरूर कुछ ना कुछ महत्व हुई। और हम अगले अंक में अपना से वादा करी थे कि या हम इनकर पत्थरन के महत्व पुरातत्व के कोनो अधिकारी का लेके साथ माऊ, जहां अपना का पूरा ई पत्थरन के महत्व और पूरा मंदिर के महत्व से विशेष चर्चा करब। ये देखी लही यहाँ बकायदा पूरा ये तपस्या साधना, ये साधना केंद्र है गुरु महाराज के। यहाँ ओम नमः शिवाय के यहाँ के निवासिन के बताऊ भय कि ओम नमः शिवाय के अपने आप आवाज गूंजे थी, बिल्कुल अलौकिक है। अपना देख सकी थे पूरी व्यवस्था यहाँ बनी है, या उनकर शयन कक्षा है महाराज जी के। और बकायदा यहाँ देखी सीढ़ी है और जेकर रास्ता हम देखे का प्रयास करी थी कि ये सीढ़ी अब शायद बंद कह दी गई है, लोग एठे कौनों को दुर्घटना ना हो वजह से ये सीढ़ी का बंद कह दिन गया है। अंधेरा बहुत है, ऐसे अब हम बाहर ही थे अपना देख चुके हैं कि मतलब काफी अबूझ पहलू कह सकी थे का अपना कि यह मंदिर निर्मित हो। अब ये देखिए ये जो यहाँ द्वारा बनाई गई है, माता सरस्वती हैं, बीड़ावादिनी भगवान गणेश जी हैं और लक्ष्मी माता हैं और ये गंगा जमुना सरस्वती के प्रतिमा बताई जा लगी, बिल्कुल अद्भुत है। एक बे जरूर हम एक बे अपील करब दर्शकन से कि एक बे जरूर यहाँ आई और अपन एक बे अपन अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करब, कहे कि जौन अलौकिक आनंद या पूरे जगह का दिख के अनुभूति हो रही है, बिल्कुल अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। कहे कि हजार साल पहले यदि अपना कल्पना करी इतनी बड़ी मंदिर और ऐसा एक गुफा के बारे में जहां ओम नमः शिवाय के आजो ध्वनि गुंजायमान है। आज हम सौभाग्यशाली हैं किया भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अपना पंचन का भोलेनाथ के मंदिर से मुखातिब करावे हेतु पहुँचे हैं। और यह आध्यात्मिक मंदिर कहा थे देवों मा देव महादेव, या महादेव के हमका सौभाग्य दिहीन उन्हीं के प्रताप आए कि आज हम यहाँ अपना पंचन के खीतिर आज यह मंदिर मा उनकर यह भव्य मंदिर दिखावे आए हैं। अपना देखी यह नक्काशी देख सकी थे बड़ी खूबसूरत, यह पूर्ण नक्काशी की गई और एकर मंदिर के भगवान भोलेनाथ की यह मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और हजारन साल पूर्व यह मंदिर निर्मित भा है। और किंवदंत बहुत हैं किंतु भगवान भोलेनाथ के छटा निराली है। कहा थे कि यहाँ सृष्टि के जब निर्माण भा तो एक भोलेनाथ जैसा कहा थे कि हर ज्योतिर्लिंग में हैं
उनकर अभी हाल में अपना का बताई घटना जो पिछले कुछ साल पहले भय बाढ़ आई केदारनाथ धाम में, किंतु केदारनाथ धाम भोलेनाथ बाबा के वह में आज मौजूद है। कहा थे भगवान भोलेनाथ कि यह प्रताप आए कि भोलेनाथ भगवान अपने भक्त सहित सबके भले सोचा थे। भगवान भोलेनाथ के नजरन में कौनों में के ऊंच नीच नहीं आए, न भेदभाव आए। जो भक्त उनका हृदय से मान लेते हैं वह भक्त का उतार देते हैं और उनके ऊपर ऐसा कृपा बरसावत है कि शायद फिर दूसर केहू के उनका काम नहीं रहा है। अब चलिए अपना का भोलेनाथ की यह भव्य मंदिर के दर्शन, भोलेनाथ के या शिवलिंग के दर्शन कराए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं यहाँ के गाइड विपिन सिंह जी, इन्हों का हम साथ मिलाए हैं। ये पूरे मंदिर के महत्व बताई हैं, ये सब देख सके थे अपना ये विशेष, ये पूरा मंदिर जो विशाल नक्काशी है, ऊपर कहा थे रुद्राक्ष के जो छटा हुआ बनाई गई है, सूर्य भगवान सामने चार हाथी यहाँ बनाई गई हैं। एक पूरा हम अपना का जानकारी विपिन सिंह जी से पूछवाई थे, पहले हम दर्शन भगवान भोलेनाथ के अपना का कराए दी। भगवान भोलेनाथ के ऊपर सूर्य के सूर्यास्त के बहुत सुंदर किरण पड़ी थी और उस समय शिवलिंग के महत्वता और बढ़िया थी। देखिए खूबसूरत मंदिर भगवान भोलेनाथ के जौन जलहरी है अपना देख सकी थे, भोलेनाथ के ऊपर शेषनाग जी और रुद्राक्ष माला, अलौकिक मंदिर है। और हम बुलावे चाहिए थे कि ये देखा ये मंदिर के महाराव देखा लिखा हुआ है, अपने आप ही बचपन से लिखा हुआ है जो ये शिवलिंग है उमा ओम के, ये अपना देख सकी थे भगवान भोलेनाथ बड़ा। ये देखिए ये जो मंदिर के गुंबद है बड़ा खूबसूरत नक्काशी, वो कल्पना करी कि हजारों साल पहले कैसन ये मंदिर के निर्माण की गई हुई। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराए के बाद हम अपना काले चली थे और मंदिर के बारे में गहन जिनका यहाँ के निवासी हैं विपिन सिंह, उनसे जानकारी ली थे कि मंदिर में और का विशेषता और यहाँ के महत्व है। ऊपर ही देखिए यह हम कार्तिक भगवान यह जैसन विपिन सिंह जी, यह पूरा मंदिर है जो अभी अपना बता पर रहे हैं, तो का एमा खास है? एमा बहुत बड़ी खासियत है और जो लोगों के मन्नत है वो पूर होत है। ये मंदिर ऊंची जगति में बनी है और एक जौन है तो द्वार पश्चिम दिशा का है और जौन इनके मुख से पानी निकलता है, तो जो पानी निकलत है वह आज तक वो पानी पता नहीं चला कि कहाँ जाता है। जो जल अभिषेक होता है बहुत शानदार, बहुत बेहद, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मतलब भव्य स्थान है और लोग यहाँ आते हैं और अच्छा पूजा पाठ करते हैं, लोगों के मन्नत पूर होती। जैसा मंदिर के ऊंचाई में कुछ हाँ आकृति, हाँ मंदिर के ऊपर जो उन्हें सूर्य भगवान बैठे हैं और फिर इसके ऊपर जो गुंबज बना हुआ है उसमें रुद्राक्ष का पूरा माला धारण चारों तरफ से मतलब पहने हुए हैं और उसी माला को भगवान यहाँ जब संजवाती होती है तो आते हैं, तो कभी कभी दिखाई भी देते हैं अचानक, जब हम लोग यहाँ अगरबत्ती जलाते हैं, सर सफाई करते हैं यहाँ, तो कभी कभी उनका दर्शन होता है। यही विशेषता है जी। आइए ये देखिए झांकी बनी हुई, झांकी बनी है, ये कार्तिकेय भगवान है, ये सामने झांकी बनी हुई है, मतलब इतना बढ़िया कल्चर, इतना बढ़िया विशेषता, ये देखिए अपना। और ऊपर देखिए एक पत्थर के ऊपर ऐसा मंदिर अपना न पाऊगा कि मध्य प्रदेश में न पाऊ कि जहाँ मंदिर मठ मतलब अगल बगल हों, मंदिर तो बहुत हैं लेकिन यह में मंदिर न पाऊगा, यह सब विशेषता है यहाँ ये मंदिर। अब आगे अपना कले चली थे जलहरी के पानी के जगहों पर विशेषता बताई गई, वह जलहरी अपना देख ली। समय का है, शाम हो रहा है, कहे कि यहाँ विद्युत के लाइट के व्यवस्था नहीं है। तीन प्रतीकाओं बनी है, पूरा शिवलिंग के आकार में ये पूरा मंदिर बनी है सर, पूरा तीन, ये देखिए ये पूरा शिवलिंग के मतलब जिस अंदर गए रहन जलहली दिखन है वह पूरा जलहली नामा पूरा ये मंदिर बनी है। और जल अभिषेक या जो ये बना है यह जल अभिषेक या पानी निकल के अब पूरा अंदर चला जाता है, ये कहो मतलब कहो बहा नहीं,
या एक देख लीन जाए या पानी पूरा अंदर चला जाता है। ये मंदिर की सुरक्षा के खातिर एक तड़ी चालक लगावा है कि जो उन्हें मतलब कहनो में से यहाँ मंदिर में क्षति न पहुँचा जाएगी, एक पूरा तत्व विभाग लगवाई सी आएगी। यह भी विशेषता है मंदिर में। ये मंदिर के अपना का हम पूरा परिक्रमा दिखाई थे, एक बड़ा खूबसूरत उस शिवलिंग के आकार के या पूरा मंदिर बना बगा है, और सामने जो एक अपना देखिला है पत्थर के भवन है या मठ है, जहाँ पूज्य गुरु जिनके द्वारा ये मंदिर के निर्माण करावागा उनकर मठ रहा, जहाँ वो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के, और उनके दृढ़ निश्चय से यह पत्थर के खूबसूरत विशाल मंदिर जेकर नक्काशी हम बार बार कहे कि यह अपना का आकर्षित करी, सबसे आकर्षण के केंद्र है भगवान भोलेनाथ के या शिवलिंग आकार के बेहतरीन मंदिर जो विंध्य क्षेत्र के चंद्रेह जगह में स्थित है, और यह सीधी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, और अपना समझ ले रीवा से लगभग आसपास 60 किलोमीटर के दूरी में है। एक बे जरूर रही, और ये सावन माँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कही के अपन मुराद अवश्य पूरी करी। बहुत बहुत धन्यवाद।